गरुड़ पुराण में बहुत सी ऐसी बातों का भी जिक्र किया है जिन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाकर लोग तरक्की हासिल कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में 5 ऐसी आदतों का जिक्र किया है जिनकी वजह से जीवन में कंगाली आ सकती है, इसलिए इन आदतों को समय रहते ही छोड़ देना चाहिए। सुबह देर तक सोना। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति रात को देर से सोता है और सुबह देर से उठता है तो इसे गलत माना जाता है। ऐसे लोग आलसी होते हैं और आलस की वजह से इन्हें जीवन में कभी सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि आलस की वजह से ये लोग अपने हाथ में सही समय व मौके को गंवा बैठते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति तरक्की पाना चाहते हैं तो उसे सबसे पहले देर से सोना और देर से उठने की आदत छोड़नी चाहिए। स्वच्छ तन और स्वच्छ मन। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग रोजाना स्नान नहीं करते और साफ सुथरे नहीं रहते उनके पास लक्ष्मी नहीं टिकती। ऐसे लोगों को चाहकर भी सफलता हासिल नहीं होती, इसलिए समय रहते इस आदत को बदल देने में ही भलाई है। गरुड़ पुराण के अनुसार रोजाना सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान का ध्यान करें। रात को गंदी न छोड़े रसोई। घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर रसोई साफ करके सोने की सलाह देते हैं, लेकिन फिर व्यस्तता या आलस की वजह से कई लोग रात को रसोई में गंदे बर्तन छोड़ देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह आदत आपके घर से लक्ष्मी को दूर कर सकती है, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और ऐसे घर में नहीं टिकती, इसलिए रात के समय रसोई में गंदे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। लालची स्वभाव। लालच बुरी बला है, ये तो सभी ने पढ़ा व सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लालच की वजह से आपको जीवन में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के धन दौलत व ऐश्वर्य पर नजर रखता है वह कभी सुखी नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति अपने पास सब कुछ होते ही उसका आनंद नहीं उठा पाता। पीठ पीछे बुराई करने की आदत। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों को दूसरों के पीठ पीछे बुराई करने की आदत होती है मां लक्ष्मी उनसे कभी प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि ऐसे में अपना अच्छा सोचने की बजाय हमेशा दूसरों का बुरा ही सोचते हैं।